ऑल गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ तापसी और आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे घर पर आने वाली है। मैं उसके साथ बैठ के बताती हूँ। मैं उसके साथ जब मतलब छोटे से बहुत झगड़ती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऐसा झगड़ना होता है कि ब्लॉक हो जाते हैं दोनों के व्हाट्सएप से, बट फिर ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाता है, फिर से मेल मिलाप हो जाता है। तो मैं उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ बिकॉज शी इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड एंड शी स्टेज फार अवे फ्रॉम मी, लाइक शी लिव्स इन आगरतला एंड आई एम इन उदयपुर। तो जब भी मिलना होता है काफ़ी एक्साइटमेंट होता है बिकॉज हमेशा मिलना नहीं होता, लाइक साल में कुछ ही बार मिलना होता है। सो दैट्स वाई एंड या आज वो आने वाली है मेरे घर में और उसके लिए मैं बनाने वाली हूँ बारबेक्यू चिकन इन ओटीजी। तो ये थोड़ा सा खास है ओटीजी में बनाना बिकॉज लोग तो बहुत सारे लाइक प्रिपरेशन करके आग जला के बनाते हैं, बट ओटीजी में थोड़ा सा टेक्निक्स चाहिए होता है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ और मैं आज कैसे मेरा दिन उसके साथ स्पेंड करती हूँ। तो आप लोग देखते रहिए, जब तक मेरी फ्रेंड नहीं आ जाती तब तक मैं चिकन को थोड़ा सा प्रेप कर लिया था, अब इसको ग्रिलर में ले ली। ये है मेरा ग्रिलर लाइक जिसमें मैं बारबेक्यू चिकन को रखने वाली हूँ। तो पहले इसको थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेते हैं। ये थोड़ा सा फैंसी ऑयल का बॉटल है गाइज, आप लोगों को अजीब लग सकता है बट यही हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ब्रश नहीं है, आई विल बी यूजिंग लाइक दिस, मेरे हैंड के मिडल पोर्शन को यूज़ करके बेसिकली ऐसे, एंड दिस नेल पेंट, लुक एट दिस गाइस, दिस इज फैब। हाथों में तेल लग गया बट दिस नेल पेंट इज सो फैब। तो ठीक है, अच्छे से ऑयलिंग कर लिया है और मैं इसके बाद इसमें अच्छे से चिकन पीसेस को रख दूंगी, बट पहले सब कुछ ठीक से रखना पड़ेगा बिकॉज वरना मम्मी डांटेगी। मैं रख क्या थी। अब मैं मेरे चिकन पीसेस को निकालती हूँ। वे इज़ माई चिकन, काफ़ी टाइम से मैरिनेट किया हुआ है। तो मैरिनेशन के लिए मैंने जो जो चीज़ें यूज़ किया था वो है कर्ड यूज़ किया था, नमक यूज़ किए थे, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला एंड बाकी क्या यूज़ किया था आई लिटरली फॉरगॉट, शायद इतना ही था। ओके, तो पहले इनको मैं अच्छे से रख देती हूँ ताकि गिर ना जाए। काफ़ी अच्छे से रख दिया है वैसे तो। मैंने एक स्टिक का यूज़ किया है, ज़्यादा स्टिक नहीं यूज़ किया बिकॉज ये कुछ पीसेस में थोड़े से बोन्स है, मैक्सिमम बोनलेस है बट थोड़े पीसेस में बोन्स है, तो इनको हम यहाँ पर ऐसे नहीं स्टिक में घुसा सकते, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही कर दिया। ये चिकन निकला जा रहा है ग्रिलर से, इसे लेके मेरे को प्रॉब्लम है। ओके, इसको स्टिक में दे देती हूँ तो बेटर। ओके, रुको गाइस, नॉट ओके, थोड़ा सेपरेट करके करना पड़ेगा। हियर इज माई चिकन रेडी। तो चलो इसको ग्रिलर मतलब ओवन में डाल देते हैं। वेट, स्विच ऑन है ऑलरेडी गाइज। तो अब इसको थोड़ा सा प्री हीट करना पड़ेगा। प्री हीट वेट 200 में बोथ रॉल्स हीटेड और 10 मिनट्स के लिए हम प्री हीट करेंगे इसको। ओके, ठीक है, सेट फॉर 10 मिनट्स एंड लेट्स वेट नाउ। वेट में आप लोगों को मेरा चिकन दिखा देती हूँ तब तक। हियर इज माई चिकन जिसको मैं ग्रिल करने वाली हूँ और साथ में बनेंगे नूडल्स। कैसे नूडल्स बनाऊंगी मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है, मैं बाद में बताती हूँ। मे बी रमेन बट विदाउट एग ऑफ कोर्स, एंड हाँ उसके साथ वेजीज होने वाले हैं बहुत सारे एंड मैश्ड पोटैटोज। एक्चुअली व्हाट द फक इज मैश्ड पोटैटोज,
इसके साथ खाने के लिए साथ में करिएंडर लीव्स ऑफ कोर्स, आई लव दैट। तो चलिए पहले बना लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने चिकन को अंदर डाल दिए हैं, मतलब ग्रिलर के, आई मीन ओटीजी के। तो मैंने जो मेजरमेंट्स रखे हैं वो सेम है, 200 डिग्री बुद्ध रॉज हीटेड अप, एंड जो टाइम है वो आपको 30 मिनट्स कर देना है। तो आप टाइम को 30 मिनट सेट करके जो पहले की सेटिंग्स है उसी में आप फिर से अंदर डाल देना प्री हीट के बाद। और बाद के जो लाइक जो करना है मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी और आप लोग देखते रहिए, कीप ऑन वॉचिंग। गाइज हियर आर सम मेल्टेड घी। पिछली बार मैंने जब बनाया था तो मैंने दिया था मेल्टेड बटर और इस बार घी, तो दोनों का एक्सपीरियंस होने वाला है। तो आप लोग को बता सकूँगी कौन सा बेटर है या दोनों सेम है। तो या अब जल्दी जल्दी से मैं इसको इन चिकन पीसेस में डाल दूँगी। एज आई एम नॉट प्रोफेशनल, मेरे पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स नहीं है, तो मैं स्पून से ही डालूँगी। सो आप देख लीजिए कैसे डालना होता है, लेट्स गो। गाइज आप लोगों को लग रहा होगा ये नीचे का जो है ये डर्टी हो रहा है, बट ये डर्टी नहीं हो रहा है बिकॉज ये पूरा अलग है। मैं इसको बाहर निकाल के धो सकूँगी, हर ओवन में ये नहीं होता, लाइक ये अलग वाला फैसिलिटी, बट हमारा इस पर है तो हमें कुछ अलग से यूज़ नहीं करना पड़ता। तो आप लोग देखिए मैं फिर से इसको ऑन कर रही हूँ, एंड दिस टाइम फॉर 20 मिनट्स। सो अब इसको फिर से होने देते हैं और उसके बाद मैं मिलती हूँ। टाडा, और हियर इज़ माई फ्रेंड, उसका भी एक यूट्यूब चैनल है, नाम की यूट्यूब चैनल द ब्लॉगी फाई। तो उसके चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर देना। वो अभी बस आई है मेरे घर और ये देखो क्या है। तो हम लोग थोड़ा बातें बातें करते हैं और मैं जो बना रही थी उसको पहले बना लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज वी बोथ आर हियर बैक टू कुकिंग अगेन। तो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने चिकन को ओवन से उतार लिए हैं और ये ठंडे भी हो रहे हैं, मेरे को फिर से गर्म करना होगा। तो मैं दिखाती हूँ कितना हुआ है फिलहाल, सो देख लो जल्दी से। तो ये है मेरे चिकन, आप देख सकते हो कितने अच्छे दिख रहे हैं। और ये है मेरे पोटैटोज जिनको मैं बस अभी थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं चिली पाउडर और करिएंडर ऐड किया है अभी तक। मैं बाद में बताऊंगी क्या क्या ऐड करना है बिकॉज मेरे को खुद नहीं पता, आई एम जस्ट ट्राइंग। सो कीप ऑन गाइस, हियर इज माय फूड रेडी। दिस इज चिकन कबाब जिसको मैंने पीस पीस करके लिया है, और इधर है मेरा स्मैश्ड पोटैटो और ऊपर से अनियन, और ये है मैगी विद ब्रोकलीज एंड इसको हम क्या बोलते हैं कैप्सिकम एंड करिएंडर। दिस इज कप केक फॉर हर। और हम अभी बैठ के खाएंगे बिकॉज हमको बहुत भूख लगी है। सो आप लोग देखते रहो, हम खा लेते हैं जल्दी से। जाने का वक्त हो गया, तो अभी वो जाने वाली, हमने खाना डाना खाया एंजॉय भी किया, अब वो जाएगी और मैं थोड़ा सा सोऊंगी। सो मैं अभी एंड नहीं करने वाली व्लॉग, रात को करती हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए और इसको बाय बोल दीजिए। टाटा।
So guys, as we all know, winter has arrived. So here I am introducing you all the best moisturizer of this winter. This is Biotic Bionectar Moisturizer for all skin types. So here are the steps to use it. We all know that, no need to like worry about. So right now I took my shower and I'm using this as my main moisturizer because this is best for all the skin types. Like, it's oily, but it suits oily skin and dry skin as well, because my skin is oily and I know that. So yeah guys, stay safe, and this much was for today's video. Keep sharing the video and spread love. Ta-da!